दूसरी क्लास में देखता हूँ तो मुझे एहसास होता है कि ये समस्याएं हमारी क्लास के साथ भी होगी, ऐसा नहीं है कि ना हो। और ये आ जाएगा बेटा 4 माइनस 3। चलिए आगे सोल्व मैं नहीं करूँगा। किसी को मेरी बात पे ऐतराज है तो वो मेरे को बता दे, और अगर ऐतराज नहीं है तो उसको दुखी और तकलीफ पाने की जरूरत नहीं है। जब बी एक्स अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, बी एक्स अपॉन में 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर अंडर रूट, करिए इसका इंटीग्रेशन। अरे 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट होता है साइन इनवर्स है, अपर लिमिट की जगह अपर और लोअर की जगह लोअर, सिंपल इंटीग्रेशन होगा। 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर का रूट होता है साइन इनवर्स है, फार्मूला है। अब साइन इनवर्स 1 अपर लिमिट माइनस साइन इनवर्स 0। देखो टेस्ट से मुझे इतना एहसास हो रहा है भी समझ आ रहा है, कोई बच्चा ये नहीं कह सकता कि समझ नहीं आता जी आपका, ठीक है। और ऑनलाइन क्लासेस में भाई इंटरनेट का मैं नहीं कह सकता, लेकिन मैं अपनी सबसे बेस्ट दे रहा हूँ। आपका अपना पर्सनल इंटरनेट कैसा है, आप कितना अटेंटिव है मोबाइल पे लैपटॉप पे। परवेज उस दिन तो तू था नहीं भाई, उस दिन तो तुम लोगों ने ना वेल प्लान करके बुलाउन छोड़ देते हो। अच्छा, क्योंकि मैं मान लेता अभी माई कहो तो रोज रोज देखो, वो पुराने टाइम में ना कहावत थी भेड़िए की, तुमने भी पढ़ी होगी, भेड़िया आया भेड़िया आया भेड़िया आया, तो रोज रोज माई खराब नहीं होता। जैसे अर्पिता कहीं देखती है ना क्योंकि माई खराब था, ऐसे नहीं होता। मैं भी इस चीज को देख रहा हूं, आप देखिए भाई। उसके बाद आपको 10th क्वेश्चन खुद करना है, 11th क्वेश्चन खुद करना है, 12th क्वेश्चन मेरे करवाने लायक एक भी क्वेश्चन नहीं इस एक्सरसाइज में। 0 से π/2 और स्क्वायर है 12th क्वेश्चन, मैं बीच से छोड़ रहा हूं, आप लोगों को खुद करने हैं, नहीं आए तो पूछ सकते। देखो भाई cos स्क्वायर है का इंटीग्रेशन का फार्मूला में नहीं आता, तो 1 + cos 2x/2 लिखते हैं cos स्क्वायर। अरे नया काम कुछ नहीं कर रहा मैं, केवल ये लिमिट अप्लाई करनी सिखाई आप, बाकी इंटीग्रेशन तो पुराना ही हो रहा है। इंटीग्रेशन आप पुराना ही अप्लाई कर रहे हैं, नया कुछ नहीं है। अब आओ बेटा, क्या होगा 1 का 1/2 बाहर ले लो, कॉन्स्टेंट बाहर ले लो। 1 का इंटीग्रेशन x cos 2x का sin 2x / 2 लिमिट अप्लाई कर दो 0 से π/2। इंटीग्रेशन वैसे ही हो रहा है जैसे पहले होता था, नया कुछ नहीं होना है। अब देखो आगे लिमिट अप्लाई करें, π/2 + sin 2 × π/2 अपर लिमिट x की जगह यहां भी π/2 और यहां भी π/2 माइनस लोअर लिमिट यहां 0 sin 0 लोअर लिमिट 0 आ गई, यहां 0 रखा है ये भी 0 साइन 2 0 0 ये आ गया π/2 और साइन पाई की वैल्यू 0 होती है बेटा, साइन पाई 0 होता है, 180 साइन में 0 होता है, ये कितना